हेलो एवरीवन, हैव यू डन द लास्ट वन? प्रैक्टिस शीट का फर्स्ट वाला जो मैंने आपको करवाया वो आपको समझ में आ गया? हैव यू गॉट इट? आई होप यू हैव गॉट इट एंड यू हैव डन इट, बिकॉज आपको ये नहीं करोगे तो आपको एग्ज़ाम में समझ में नहीं आएगा कि कैसे करना है, बिकॉज द सेम पैटर्न विल बी फॉलोड इन योर एग्ज़ाम. दिस दैट इज़ द रीज़न वी आर डूइंग द रिविजन शीट एंड प्रैक्टिस शीट, राइट? एंड वी आर डूइंग द प्रैक्टिस शीट में हम क्या करें, वी आर डूइंग द लेसन नंबर वन का इट्स अ रिविजन ऑफ लेसन नंबर वन का प्रैक्टिस शीट, राइट? इट इज बैक टू स्कूल. नाउ पहला पेज में हमने क्या किया, वॉट डिड वी डू हियर? वी डिड अबाउट टिकल्स, राइट? टिकल्स को देख के उसके बारे में सारा कुछ जो भी लिखा था वी हैव आंसर्ड इट. नाउ हियर इन दिस पैसेज वी आर अगेन गोइंग टू रीड अबाउट अ पर्सन. हु इज दिस? व्हाट डज शी लुक्स लाइक? शी इज अ नर्स, इजंट इट? द नर्स दैट वर्क्स इन अ हॉस्पिटल. नाउ लेट्स रीड. दिस इज नेली. व्हाट्स हर नेम? नेली. शी इज अ nurse, isn't it? See, I told you, this is Nelly. She is a nurse. She is tall and thin. How does she looks? She is tall and thin. She works at the hospital. Where does she works? She works at the hospital. She looks after sick people. What does she do? She looks after the sick people. जो बीमार लोग होते हैं उनका ध्यान रखती है, ख्याल रखती है. Now she gets up at 6 o'clock in the morning. What time she gets up? She gets up at 6 o'clock in the morning. सुबह 6 बजे उठती है. She takes a shower and puts on her clothes. She takes a shower and puts on her clothes means नहाती है and अपने uniform का कपड़ा पहनती है, right? Then she eats breakfast at 6:30. Then what does she do? She eats her breakfast. At what time she eats her breakfast? 6:30. That means 6:30 बजे वो अपना ब्रेकफास्ट खाती है. At 7 o'clock she drives her car to the hospital. 7 o'clock, 7 बजे. What she does? She drives her car. उसके पास एक कार है, उस कार से वो हॉस्पिटल के लिए निकलती है 7 o'clock, right? Nelly starts work at 8 o'clock. What time she starts her work? कितने बजे? She starts her work at 8 o'clock. 8 बजे सुबह. She cleans the rooms in hospital. What does she do? She cleans the room. सारे rooms की सफाई करती है hospital में. Then she helps the doctors. उसके बाद क्या करती है? She helps the doctors. At 12 o'clock she has lunch. कितने बजे lunch करती है वो? She does her lunch at. She has her lunch at 12 o'clock. दोपहर को 12 बजे she has her lunch. She goes home at 5 o'clock. कितने बजे घर जाती है वो? At what time she goes home? She goes home at 5 o'clock. At home she takes a shower and she cooks dinner. घर जाने के बाद वो क्या करती है? She takes a shower. वो फिर से नहाती है. बिकॉज हॉस्पिटल में बीमार लोग रहते हैं, गंदगी रहती है, वो सफाई करती है, डॉक्टर्स की हेल्प करती है, कितने सारे बीमार लोगों को छूती है ना. सो शी हैज़ टू गो बैक होम एंड अगेन टेक अ बाथ एंड शी कुक्स डिनर. फिर वो अपने लिए खाना बनाती है रात का. डिनर इज द मील एट नाइट इज नोन एज डिनर. शी हैज़ डिनर एट 6:30 इन द इवनिंग. कितने बजे डिनर करती है वो? शाम को 6:30 बजे. शी हैज़ हर डिनर एट 6:30 इन द इवनिंग. हम 6:30 बजे खाना खाते हैं कभी ना? एट वॉट टाइम वी हैव आवर डिनर? वी हैव आवर डिनर एट 8:30 इन द नाइट, इजंट इट? 6:30 बजे तो हम दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, इजंट इट? यस. देन शी वॉचेस टीवी. फिर वो क्या करती है? वो टीवी देखती है. एंड एट 10 o'clock शी गोज टू बेड. और वो क्या करती है? 10 बजे सोने चले जाती है. वॉट टाइम डू यू स्लीप? आप कितने बजे सोते हो? कमन कमन टेल मी. इवन आई स्लीप एट 10:30. मैं भी 10:30 बजे सो जाती हूँ. आप कितने बजे सोते हो? पहले तो खेलना है,
फिर टीवी दे नहीं पहले टीवी देखना है, फिर खेलना है, फिर मम्मा बुलाती रहेंगी, बहुत मुश्किल से खाना खाना है, उसके बाद कहीं जाकर रात को 11:30 बजे सोना है, क्या 11, 11:30, 12, फिर सुबह 8 बजे उठना है, इजंट इट? बट यू नो, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज. सो जल्दी सोना चाहिए एंड जल्दी उठना चाहिए, तभी आप हेल्दी रहोगे, राइट? इवन आई गेट अप अर्ली, मैं भी सुबह जल्दी उठती हूँ, 6 बजे उठती हूँ, आई डू एक्सरसाइज, आई गो फॉर अ वॉक, देन आई हैव माई ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट भी मैं 8:30 बजे तक खा लेती हूँ. आप तो 8 बजे सो के ही उठते होगे, राइट? मम्मा बोलती रहेंगी उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, और आपको उठना ही नहीं है, थोड़ी देर करके सोना है. बट यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. नाउ अगेन कमिंग बैक टू नेली, सो दिस इज ऑल अबाउट नेली. ये सब कुछ नेली के बारे में था, राइट? सो नेली इज टॉल एंड थिन, नेली इज अ नर्स, शी गेट्स अप एट, शी वर्क्स इन अ हॉस्पिटल, शी लुक्स आफ्टर द सिक पीपल, शी गेट्स अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, देन शी टेक्स अ शावर एंड गेट्स रेडी फॉर द हॉस्पिटल, देन शी हैज़ हर ब्रेकफास्ट एट 6:30, देन वॉट शी एट 7 o'clock शी गोज टू हर हॉस्पिटल, शी ड्राइव्स हर कार टू द हॉस्पिटल, देन नेली स्टार्ट्स वर्किंग एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग, देन शी वॉट डज शी डू, शी क्लीन्स द रूम्स ऑफ द हॉस्पिटल, देन शी हेल्प्स द डॉक्टर्स, एंड 12 o'clock इन द आफ्टरनून, दोपहर के 12 बजे, शी हैज़ हर लंच, शी गोज होम एट 5 o'clock, शाम को 5 बजे वो घर चली जाती है. एट होम अगेन शी टेक्स अ शावर, टेक्स अ शावर मतलब वो फिर से नहाती है, एंड शी कुक्स हर डिनर, देन शी हैज़ हर डिनर एट 6:30 इन द इवनिंग. वो शाम को 6:30 बजे अपना डिनर कर लेती है, एंड देन शी वॉचेस टीवी, एंड उसके बाद वो टीवी देखती है, एंड एट 10 o'clock शी गोज़ टू बेड, वो सो जाती है, सोने चली जाती है, राइट? नाउ लेट्स आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम द पैसेज. व्हाट्स हर नेम? व्हाट इज हर नेम? शी इज नेली, इजंट इट? व्हाट्स हर नेम? शी इज नेली. व्हाट इज शी? वो कौन है? हु इज नेली? नेली इज अ नर्स. सो व्हाट डू वी राइट? वी विल राइट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर इज शी इज अ नर्स, राइट? वॉट इज नेली? नेली इज अ नर्स, शी इज अ नर्स. क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डज शी वर्क? नेली कहाँ पे काम करती है? शी वर्क्स एट द हॉस्पिटल, राइट? सी शी वर्क्स एट द हॉस्पिटल, राइट? नेली वर्क्स एट हॉस्पिटल. नंबर 4, इज शी फैट? क्या वो फैट है? नो, नेली इज टॉल एंड थिन, इजंट इट? सो यू विल राइट, इज शी फैट? नो, नेली इज थिन. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, कैन शी ड्राइव अ कार? यस, शी कैन ड्राइव अ कार बिकॉज शी ड्राइव्स हर कार टू द हॉस्पिटल. नेली अपने कार से ही हॉस्पिटल जाती है ना, सो इसका आंसर क्या होगा? यस, शी कैन ड्राइव अ कार. नंबर 6, डज शी गेट अप एट 6 o'clock? नेली कितने बजे उठती है सुबह? 6 o'clock इन द मॉर्निंग. डज शी गेट अप एट 6 o'clock? यस, शी गेट्स अप 6 o'clock इन द मॉर्निंग. डज शी ईट ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock? क्या वो अपना नाश्ता 7 बजे करती है? नो, शी डज हर ब्रेकफास्ट एट 6:30, दैट इज 6:30 इन द मॉर्निंग, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 8, डज शी कुक डिनर एट द हॉस्पिटल? क्या वो हॉस्पिटल में अपने लिए खाना बनाती है? क्वेश्चन नंबर 8, नो, शी कुक्स डिनर वंस शी कम्स होम, राइट? सो यू विल राइट, नो शी डज नॉट कुक हर डिनर एट द हॉस्पिटल. नंबर 9, डज शी हेल्प द डॉक्टर्स? यस, शी हेल्प्स द डॉक्टर, इजंट इट? सी शी हेल्प्स द डॉक्टर, है ना?
नाउ क्वेश्चन नंबर 10, डज शी गो टू बेड एट नाइट, क्या वो रात को अपने बेड पे जाती है? यस, शी गोज टू बेड एट 10 o'clock शी गोज टू बेड, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 11, वट टाइम डज शी हैव द लंच, कितने बजे लंच करती है वो? शी हैज़ अ लंच एट 12 o'clock, सी 12 o'clock शी हैज़ लंच, इज़न्ट इट? दिस वॉज नंबर 11. नाउ क्वेश्चन नंबर 12, वट टाइम डज शी हैव हर डिनर, वो डिनर कितने बजे करती है? शी हैज़ अ डिनर एट 6:30 इन द इवनिंग, What time she has a dinner? She has her dinner at 6:30 in the evening. What time does she go to bed? Question number 13. Last question. She at 10 o'clock she goes to bed. Isn't it? At 10 o'clock she goes to bed. So this was all about your passage unseen passage number 2. पैसेज नंबर 1 में भी हमने पिक्चर राइटिंग की थी, पिक्चर देखकर लिखा था, उसके बारे में रीड करके क्वेश्चंस के आंसर दिए थे. एंड पैसेज नंबर 2 में भी देयर इज़ अ पैसेज ओवर नर्स, ये नर्स के ऊपर पैसेज है, नर्स को बारे में बताया गया है, नेली इज़ अ नर्स एंड एवरीथिंग अबाउट नेली, सो यू हैव टू आंसर अकॉर्डिंगली, राइट? यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स विथ योर आंसर, राइट? नेक्स्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास.